तो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और गाइस आज है रविवार जो कि है धनराज का बाजार। और गाइस यार आज तो त्योहार के नाम से ना बाजार नहीं बैठेगा बोल रहा था यार, लेकिन ना पानी गिर दिया था यार कल अपना सभी सब्जी, सभी लोगों का सब्जी बचा हुआ था, इस कारण यार कल बाजार भी नहीं लगा था यहाँ का। तो बाजार लगा है तो यार बचे हुए सब्जी को भी आ चुके हैं बेचने के लिए धनराज का बाजार। तो फिर चलो गाइस अपना दुकान लगाते हैं यार, फिर दिखाते हैं अपना सब्जियां, कल का बचा वाला ही सब्जी है। ये देखो गाइस अपना पन्निया जो है यहाँ पर बिछा लिया है और उधर देख सकते हैं नजारा क्या मस्त धार चल रहा है आज तो यार। पन्नी को ही से धो के लाते हैं, देख तो बहुत कीचड़ है, पूरा सन आ गया है। ये ठीक है, ये ज्यादा सन है, दो ठो लेके जा रहे हैं धोने के लिए। तो ये देख सकते हैं गाइस अपना सभी सामान को उतार रहे हैं, उसके बाद जमाएंगे। मुनगा कितना सारा बचा हुआ है देख सकते हैं, लौकी भी बचा है, दो क्रेट में है लौकी भी। और ये देखो भुट्टा तो थोड़ा सा ही बचा था इतना ही, और बाकी उधर देख सकते हैं सभी के जमा के दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस यार अपना दुकान लग के रेडी हो चुका है, चलो आज भी अपना सब्जियों का रेट बता देता हूँ। तो गाइस यार ये देख सकते हैं पूरा लग के रेडी हो चुका है, पूरा मुनगा तक, और इधर भी मुनगा तक है यार। उधर दो जगह रख दिया है मुनगा को, 20 रुपये जरूर दे रहे हैं मुनगा को, और आलू को 40 रुपये किलो, टमाटर को भी 30 रुपये किलो बेच रहे हैं, और करेला को बेच रहे हैं 60 रुपये किलो, 15 रुपये पाव, और बैंगन को बेच रहे हैं 40 रुपये किलो, और ये भिंडी को बेच रहे हैं यार 30 रुपये किलो, और इधर है परवल इसको भी 30 रुपये किलो, और टमाटर भी 30 रुपये किलो, और लौकी है 20 रुपये नंग, भुट्टा 20 का 4 नंग, और यहाँ पर भी है मुनगा उसको भी 20 रुपये जुड़ी। कल का ही रेट है यार पूरा अभी देख सकते हैं। और मार्केट में ना आज किसी के पास यार ताज़ा सब्जी नहीं है, पूरा कल का ही है देख सकते हैं, ग्राहक आने लगा है और व्यापारी लोग बहुत कम हैं मार्केट में आज, कल का ही ना सबको पहुँचा वाला। अपना भी है यार, मिर्ची भी पक गई है, लौकी 20 रुपये ना छांट ले। चलो गाइस यार बोहनी हो गया गाइस यार, देख सकते हैं छोटू की साइड मस्त भीड़ लगा है अभी, और मेरे साइड अभी खाली है। उसके साइड ना आलू चल रहा है, आलू मस्त बिक रहा है, और मुनगा भी, और इस साइड देखो मैं और भागवत अभी खाली बैठे हैं। और बाजार का हाल देख सकते हैं यार, धनराज का बाजार है और व्यापारी लोग बहुत कम है, इस कारण सब्जियाँ जल्दी बिक सकता है ऐसा हमको आशा है देख ग्राहक को देखते हुए। अब किलो ज्यादा है ₹30 किलो भिंडी देख देख 2 किलो 50 देता हूँ, 3 रुपये करेला 30 रुपये किलो, करेला कैसे 60 रुपये ¿Qué es lo que se llama?
टमाटर का यार देख सकते हैं अभी हो चुका है रात और अभी अपना सब्जियों को देखे यार क्या क्या बचा है। आलू थोड़ा सा बचा है 3-4 किलो के लगभग और टमाटर सबसे ज़्यादा बचा है दोनों जगह पे, मेरे जगह भी और वहाँ पर भी। बैंगन भी थोड़ा सा बचा है 3 किलो के लगभग और भुट्टा बचा है, सबको 20 में दे रहा हूँ। और थोड़ा सा बचा है ये परवल देख सकते हैं, और भिंडी करेला तो यहाँ पर था वो बिक गए हैं, और लौकी बचा है यार थोड़ा सा, कुंदरू तो नहीं बिक पाया, मात्र 1 किलो बस बेचा हूँ। एकदम 20 हाँ बताना। और मुनगा भी बचा हुआ है यार, मुनगा भी बचा उधर देख सकते हैं, कुंदरू लेकिन फिर बच जाया कर, इतना कम सब्जी था मार्केट में तो भी नहीं बिक पाया देख सकते हैं। टमाटर 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। हाँ भाई एकदम सस्ता हो गया टमाटर, 10 रुपए किलो। हाँ थोड़ा बच गए, जो आएगा वो पाएगा। एक तरफ से दे रहा है बिना छाटे टमाटर को 10 रुपए किलो, वहाँ पर बिक जाएगा, उसके बाद इसको भी बेचूंगा, दोनों चाहे एक साथ कर दूंगा तो फिर दोनों बच जाएगा, एक साइड के कम से कम बिकने दो। तो फाइनली गाइस यार मार्केट पूरा खाली हो चुका है, अब चलो यार थोड़ा थोड़ा सब्जी बचा है उसको उठा लेते हैं यार।